छुट्टी, इसीलिए तो इतने बेकार जिंदगी हो गई है। बड़े उदास उदास लग रही है। अब क्या करें, कॉलेज के सारे दोस्त छूट गए हैं, अब यहाँ पे तो हम रहे नहीं, हॉस्टल में रहे हैं। अब हॉस्टल में घूम फिर के मजे वजे लिए हैं तो अच्छा लगेगा क्या, तुम ही बताओ। बहुत ज़्यादा ही उदास लग रही हो। अरे हम तुम्हारी फ्रेंड हैं, हमको बता सकते हो तुम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा तबीयत वबीयत भी खराब चल रहा है। हाँ। तो इसके वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। और तुम तो अपने को लेके परेशान रहती हो और मैं लोगों की भलाई करते करते ही परेशान रहती हूँ। हाँ ये बात भी सही है। अब क्या करें, हमारी ज़िंदगी ही ऐसी हो गई, हम अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी खराब करके बैठ गए। खासकर मैं तो अपनी ज़िंदगी ना अपने हाथों से ख़राब करके बैठ गई हूँ। अब तुमको तो पता ही है कि एक बार अगर गलती कर लो तो पछताने की बात कुछ नहीं है। वो ये बात तो सही कह रही हो। अब ऐसे लोग मिल जाएंगे ना चार, जो चेयर पे बैठ के एकदम देख रहे एक स्टार एक स्टार, तो ज़िंदगी तो झंडी हो जाएगी ना। झंडा ही है ज़िंदगी ऐसी, कौन सी अच्छी झंडी। अब कोई सिक्स पैक मिल ही नहीं रहा है, एकदम हड्डी पतली रीढ़ की मिल रही है, जो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब वो भी चुभने लग जाएगा कि कुछ इधर उधर। अब इतना भी मत हंसो, क्योंकि हमारे कॉलेज में सब सिक्स पैक ही रहते थे, ऐसे पतली नहीं। अब एक गांव के लौंडे एकदम चूस चूस के पतले हो गए। अब सखी तुम ऐसा बोल ही रही हो तो हंसी नहीं आएंगी क्या, बताओ तुम्हें। अरे हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे उसी से काम चलाएंगे। हाँ कोरोना कोरोना सिक्स पैक वाला ही सिक्स पैक ही है ना। अरे सिक्स पैक है, मान लेते हैं कि सिक्स पैक है, एकदम तगड़ा कब्बू जवान। सही पसंद की हो तुम। अरे ऐसे की मजाक मत करा उनसे, हम कहा ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो ना चाहते हुए हो गया है। ये बात तो है। अब चाहते हैं, जैसे कॉलेज में रहते थे मजे वजे लेते थे, अब वो तो मजे मिल नहीं रहा है। अब सिक्स पैक बॉडी कहाँ से लाए। तुम्हें मजे चाहिए मतलब है ना। अरे मजे तो चाहिए भाई, कॉलेज में पढ़े वड़े हैं, ऐसे एकदम हैंडसम जवान समझते थे, अभी कहाँ और हम कहाँ। अब तो एकदम ऐसा लगता है कि काम ही चलाना पड़ेगा बस। मतलब काम चलाने के लिए ठीक है। अरे टेंशन मत लो, हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। किसको मजाक करो, मुझे कि किसी और को। अरे क्या करें, हम वो सामने वाला जो छावा है ना उसी को आजकल देख रहे हैं, वो बहुत लाइन में लगता रहे है। बहुत पसंद आ गया है तुमको है ना। पसंद नहीं है बस, समझो ऐसे ही। कौन ना बात बात कर ले। अब जहाँ एक वो कुछ ना मिलत है वहाँ देख के इसे मिलत है, तो मजा लेने में क्या जाता है। अच्छा मजे भी अच्छे खासे ले ही लेते हैं, आदत जो पड़ी है मजे लेने के। क्या करे पुरानी। अब ऐसा ज्यादा मत बोलो, हमारी पुरानी आदत है, मतलब मजे का मतलब वो नहीं। मजे का मतलब वही होता है, पुरानी आदत जो पड़ी है ना मजे लेने के। तो कहाँ से और क्या। अब क्या करें, आदत जो है तो छूट नहीं सकती है। वो बोलते हैं ना लत लग जाती है तो छूटती नहीं, छूटती नहीं। ये बात सही है। तो और बताओ तुम्हारा, हमारा तो बहुत इंक्वायरी कर रही हूँ, अपना बताओ कैसा। हमारा क्या बताया, हमारा तो हमारी तो जिंदगी में कोई है ही नहीं, तुमको ये पता ही है ना। अरे हमको अच्छे से पता है, दो चार उधर पटाओ, एक आए और एक जाए, एकदम अच्छे मजे। एक आए और एक जाए भाई। उसको गाँव में बोला था ना, क्या बोलते हैं उसको, आओ सनम और जाओ सनम बोलते हैं, एक जाए एक आए। और टेंशन मत करो, हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। एक आए और जाए फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब ये खोल लेगा हम नया। हाँ ये खोल लेते हैं। एकदम एकदम खोलने ही लायक है। क्या नाला सुपारा में खोले या फिर कहीं और। अरे नाला सुपारा में खोल देते हैं, क्या दिक्कत है, खोलना ही तो सिक्स पैक है। एक सनम आओ दूजा सनम जाओ। अरे हाँ टेंशन ना करो। हम तुम्हारे ही रहेंगे। मतलब सनम आएंगे जाएंगे। अरे हाँ वही, वो तो दिखावा के लिए बोल रही हूँ। अच्छा बोलना तो पड़ेगा, बेचारे को खुशी मिल रही है जो थोड़ा सा कुछ कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तुम तो बड़ी चापलूस लगती हो, सही बता रहे हैं। अब चापलूस तो नहीं है, अब हम किसी को खुश कर रहे हैं उसको तुम चापलूस ही बता दो तो अलग बात है। हाँ ये बात भी है। हाँ क्या करे और बता, हमारा तो बहुत मजे उड़ा रहे हो, अब तुम बता दियो कुछ। हमारा कहाँ बता, हमारा तो जिंदगी ऐसी झंडो ही रखी है ना, हम इधर के है ना उधर के, बीच में लटक रहे हैं बस। अब झंड तो तुमने खुद ही बनाया है, हम खुद ही अबार जिंदगी झंड करके बैठे हैं। अब क्या बताएं, अब झंड लोगों के ढूंढोगी तो झंड ही होगा ना।
बात सही बात, हमें को कोई भी ईगो मिलता है जो हमें सब टीचर होता है। अरे तो टेंशन ना करो, हम कहीं अब तुम बोलती तो हम कहीं जॉब वॉब कर लेते, लेकिन तुमको तो एकदम नशा पकड़ा है कि नहीं हम यही करेंगे यही करेंगे, तो हम नशा पकड़ा है तो उसको लत लग गई है तो झेलो फिर। हाँ ये बात तो है, झेलना तो पड़बे करी, क्या कर सके, झेल तो रहे और क्या कर रहे। हाँ तो बस झेलते रहो और क्या करोगी। तुम कितनों को झेल रही हो एक साथ? हम तो अभी यहाँ एक गबरू को बस फंसा रहे हैं, एक को फंसा रहे हैं। हाँ क्यों क्यों, बेचारा बस ऐसे ज्यादा कुछ अंदर तक नहीं जाता, ऊपर से ही खुश रहता है, बस थोड़ा ऐसे कर दो एकदम खुश हो जाते हैं बस इतने से ही। ओखरे में कोनो ज्यादा नहीं है? अरे नहीं ज्यादा नहीं है, वो बोलता है, मैं बोल देती हूँ कि अभी जब तक कॉलेज बंद है तो बस इतना ही खुश रहे, मैं बहुत खुश हूँ, बस ऐसे ही तो चाहिए और क्या चाहिए। हाँ ये बात भी सही बात। हाँ तब तक के लिए और का जहाँ कुछ नहीं वहाँ मिल रहा है तो क्या करें, क्या करें, सही बात है। नहीं से हाँ ही, हाँ नहीं से हाँ ही सही, और अब एक नंबर का है माल। अभी बच्चा सा है, बच्चा है अभी। हाँ। ना कौन हो ना अभी... जवान हुई जा। हाँ बट वो बोलता है मेरे को भाभी ये बहुत पसंद है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा को भाभी पसंद है? हाँ, अरे अब कहानी बहुत उड़ रही है तो अब वो सोचता है बंदी कर देते हैं, क्लोजी कर देते हैं। हमने कहा टेंशन ना करो, कोई बात ना, भाभी ढूंढ चलाएंगे थोड़े से मजे दे लिए, भाभी ही लेकर आएंगे कोई बात। अरे हाँ भाभी सही, तुमने तुम्हारी नजर में कौन भाभी भाभी है कि नहीं? अरे हम क्या खुद ही ऑलरेडी पहले से भाभी को। पहले से तैया कौन सी भौजाई है जरा क्या बताएं, अभी तो हम देखे नहीं है उसका फैसला कि अभी ये कहाँ बच्चा और वो कहाँ भाभी। ये बात भी है, मनी मन मुस्कुराए देखा, अरे लड्डू फूटे थे मन में, वही देखत रहे हम भी। और बताओ? और का बताई। हाँ बस क्या बस, अब तुम तो किसी मुल्ले के चक्कर में फंस गई हो, अब हम कैसे निकाले तुमको यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको तो झूठ बोलने आता ही नहीं है। अब कोशिश भर आप झूठ क्या बोले, सच में ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी। ये बात ना मैंने तभी सोच लेना चाहिए था जब मेरे को पहली बार वो धोखा मिला था ना, मेरी जिंदगी झंड हुई थी, तो उस टाइम ना मैंने पक्का इरादा बना लेना चाहिए। अरे तो तुम मत बोलो तो ही अच्छा है, तुमको तो मैंने समझाया था क्योंकि हमने फेस भी नहीं देखा था, फिर भी तुमने दोबारा झंड कर ली। सही बोल, अब झंड कर ली तो झंड ही हो जाएगा, हो गया झंडा, और क्या करी अब पढ़ो चक्कर में, और अब इस फील्ड में रहना तो भाई बी एफ के चक्कर में नहीं पढ़ोगी तो ही अच्छा है। सही बात ना, हम भी वही सोच रहे हैं। अब सोचो मत, अब देखो दूर से वैसे ही को एक दो को मुल्ला बनाओ और बस मजे लो, मजे लो। तो ठीक है हम चलते हैं, मजे लेकर आते हैं। हाँ हाँ मैं मजे ले रही हूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा फोन ऑन में देखूंगी कुछ।